बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैफुर रहमान है। आज हम लोग अमेज़ॉन टू ईबे जो हमारी ऑनलाइन आर्बिट्राज के प्रोडक्ट रिसर्च है उसका अपना मेथड नंबर वन देखेंगे, जो कि जिस तरह हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कासिम भाई ने, जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है रेंडम सर्च मेथड। इस मेथड में बेसिकली हम करते ये है कि जो भी आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा होता है हम डिफरेंट चीजें सोचते हैं और उन्हें अमेज़ॉन के सर्च बार में सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने चेक्स लगाते हैं, अपने चेक्स लगाने के बाद उसे हम अपने पास ईबे पे चेक करते हैं। अगर वो हमारे लास्ट वीडियो में आपको हमने क्राइटेरिया भी बताया था, अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे उतरता है तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए वर्केबल होता है। अगर वो हमारे क्राइटेरिया को पूरा ना करे तो फिर उस प्रोडक्ट को हम नहीं लेते और उस पर वर्क नहीं करते। तो आज हम आज की इस वीडियो में अपना पहला मेथड रैंडम प्रोडक्ट रिसर्च मेथड देखेंगे, ठीक है। ये अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने पास अमेज़ॉन और ईबे ओपन कर लिया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे आपके पास डिलीवर टू न्यूयॉर्क मेरे पास आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी लोकेशन लाजमी चेक करेंगे कि आपके पास लोकेशन क्या आ रही है। समटाइम्स आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान शो कर रहा होगा इस तरह से, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप लोग जब पाकिस्तान से इसे खोलेंगे आपके पास इस तरह आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा। आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आके आप कोई भी यूएस का जिप कोड दे देंगे, जिनमें 700011 है, 100023 है, इतने डिफरेंट कोड हैं। आप कोई भी अपने गूगल से देखेंगे और देख के यहाँ पे एक कोड पेस्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे अब हमारी लोकेशन चेंज होके न्यूयॉर्क आ गई है अमेज़ॉन पे, ठीक है। अब हम अपना फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड में हम रैंडम आइडियाज को सर्च करते हैं। अब रैंडम आइडियाज में हमारे पास हम अभी ले लेते हैं फ्राई पैन्स। ये फ्राई पैन्स को छोड़ के हम इधर ले लेते हैं स्टोरेज ऑर्गेनाइजर। स्टोरेज ऑर्गेनाइजर हमने लिया, ठीक है। स्टोरेज ऑर्गेनाइजर लिखने के बाद आपने सबसे पहले ये करना है, लेफ्ट हैंड पे आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का ऑप्शन आ रहा होगा। अमेज़ॉन प्राइम से मुराद हमने पहले भी पढ़ा है और अब भी हम रिपीट कर लेते हैं। अमेज़ॉन प्राइम से मुराद ये है ऐसे प्रोडक्ट्स या तो अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा हो या अमेज़ॉन के वेयर हाउस में किसी और सेलर ने लेके रखे हों और अमेज़ॉन उन्हें फुलफिल कर रहा हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं अमेज़ॉन प्राइम। लेफ्ट हैंड पे आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का चेक आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो उसके वेयर हाउस में अवेलेबल होंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले होमज़ोन लिविंग का प्रोडक्ट आ रहा है एलिमिनेट, ठीक है। और उसके बाद नीचे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को आपने इग्नोर कर देना है, बेस्ट सेलर्स को आप देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम अब नीचे आते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को छोड़ने के बाद हमारे पास बेस्ट सेलर में सबसे पहला मेड स्मार्ट टू टायर ऑर्गेनाइजर विद डिवाइडर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद हम इसे एनालाइज करते हैं। इसको जब हम एनालाइज कर रहे होंगे, सबसे फर्स्ट पे हमने चेक करना है राइट हैंड से कि हमारे पास प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे है या अमेज़ॉन शिप कर रहा है कि नहीं। इन दोनों में ये जो शिप फ्रॉम है आपका, शिप फ्रॉम लाजमी तौर पर amazon.com होना चाहिए। अगर ये शिप फ्रॉम amazon.com नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट प्राइम पर नहीं है। सोल्ड बाय आपका जो है वो चेंज हो सकता है। इसके मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सोल्ड बाय अमेज़ॉन के अलावा कुछ और हो सकता है। आपने शिप फ्रॉम कंफर्म करना है कि शिप फ्रॉम amazon.com ही हो। मैं वो कोई और एग्जांपल दिखा देता हूँ जिसमें अमेज़ॉन नहीं, कोई और सेलर सेल कर रहा हो हमारे पास, ताकि हमें कंफर्म हो जाए और हमारा एक एग्जांपल भी हमारे सामने आ जाएगी कि हम किस तरह प्राइम को चेक करेंगे। ये बॉक्सेस आ रहे हैं हमारे पास, ये भी अमेज़ॉन है और हम देखते हैं यहाँ पे कोई और सेलर सेल कर रहा हो अमेज़ॉन के अलावा प्रोडक्ट, तो उसे हम चेक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये ईपी फैमिली डायरेक्ट के नाम से सेलर है वो सेल कर रहा है, लेकिन शिप फ्रॉम अमेज़ॉन है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट हमारा प्राइम पर है। हमने ये चीज चेक करनी है शिप फ्रॉम अमेज़ॉन। जो भी प्रोडक्ट आपका शिप फ्रॉम अमेज़ॉन होगा उसका मतलब है वो प्राइम पर है। फर्स्ट चेक हमने पढ़ा था अपने पिछले सेशन में, अपनी पिछली वीडियो में, कि जो हमारा फर्स्ट चेक है वो है प्राइम चेक करना है हमने अमेज़ॉन से।
वो प्राइम हमने चेक कर लिया। सेकंड चीज आपने यहाँ पे राइट हैंड से ही बाय बॉक्स में आपके पास आ रहा है बाय बॉक्स, इसमें आपने चेक करना है डिलीवरी टाइम कि मैक्सिम जो आपके पास ये फास्टेस्ट डिलीवरी है, फास्टेस्ट डिलीवरी टाइम आपके पास मैक्सिमम 3 डेज पे आ रही हो, फास्टेस्ट डिलीवरी 3 डेज से ज्यादा की ना हो। अगर हमारे पास आज 9 अक्टूबर है या 10 अक्टूबर है तो 13 से ऊपर का हमारे पास डिलीवरी टाइम ना आ रहा हो फास्टेस्ट डिलीवरी में। जब हमारे पास दूसरा अराइव्स का ऑप्शन आ रहा है, अराइव्स के ऑप्शन में 10 डेज से ज्यादा का टाइम ना हो, मतलब अगर हमारे पास अभी 10 अक्टूबर है तो ये 18 अक्टूबर से ऊपर ना हो, ठीक है। 9 डेज हम मैक्सिमम इसमें देखेंगे, 9 डेज से ऊपर ना हो। सेकंड चेक हमारा ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं तो ये हमारे पास फास्टेस्ट डिलीवरी टुमारो आ रही है और ये अराइव संडे अक्टूबर 18 आ रहा है, ये भी हमारे क्राइटेरिया पर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास थी, हमने कीपा ग्राफ, कीपा एक एक्सटेंशन है, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। कीपा बेसिकली वर्क ये करता है, ये हमें अमेजोन के जो भी डेटा हो कि वो कब आउट ऑफ स्टॉक गया है, कब इन स्टॉक आया है, उसकी प्राइस वेरिएशन क्या है, आप ये टॉप पे एक्सटेंशन मेरे पास देख सकते हैं कीपा की, ठीक है। और हमेशा पिक के नीचे इस तरह का ग्राफ आ रहा होगा, ये आपका बेसिकली कीपा ग्राफ है। हमने अपने चेक्स में, अपने क्राइटेरिया में ये भी पढ़ा था कि कीपा ग्राफ स्टेबल हो। सबसे पहले आपने यहाँ से आके यूज का ये जो आपके पास आ रहा होगा इसे आपने अनचेक करवा देना है। आपने थर्ड पार्टी FBA, न्यू और Amazon को सिलेक्ट रखना है। अब 3 मंथ्स में अगर हम इसे देखते हैं तो ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया बहुत ज़्यादा, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक गया ही नहीं है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो प्राइस है वो भी स्टेबल रही है, जो 22.99 हमारे पास रही है। दरमियान में कुछ देर के लिए 19.84 की प्राइस गई थी, लेकिन आप देखें इसका कीपा हमारे पास स्टेबल और स्ट्रेट आ रहा है। इसमें हम आउट ऑफ स्टॉक भी देख लेते हैं। अब जिधर आप ये देख सकते हैं कि वो 3 मंथ से पहले आउट ऑफ स्टॉक गया, तो जिस जगह पे आउट ऑफ स्टॉक होगा वहाँ पे आपके पास कीपा एम्प्टी आ रहा होगा, ठीक है। हमने 3 मंथ्स में कीपा चेक करना है, 3 मंथ्स में कीपा हमारे पास स्टेबल है, इसका 22.99 हमारा ये वाला चेक भी फुलफिल हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चेक था, हम 2 एक्सटेंशन को यूज करते हैं, एक एक्सटेंशन का हमारे पास नाम है ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ये एक्सटेंशन बेसिकली ये करती है, आपको स्टॉक बताती है कि अमेजोन पे इस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक अवेलेबल है। हमने क्लिक किया ऑनलाइन सेलर एड ऑन के ऊपर, ऑनलाइन सेलर एड ऑन हमारा ये स्टॉक काउंट करने की एक्सटेंशन है, इसमें हमारे पास ये 5 शो करवा रहा है, ठीक है। बेसिकली 5 के साथ जब स्टार आ रहा हो तो इसका मतलब है इस पर कोई ना कोई ऑफर लगी हुई है, जिस तरह आप अभी देख सकते हैं अमेजोन आपको यू सेफ दिखा रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे ये स्टार आ रहा और क्वांटिटी हमारी 30 से कम आ रही हो तो हम कीपा देखेंगे। अगर उसका कीपा स्टेबल है और वो लास्ट 3 मंथ्स में एक दफा भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए वर्केबल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टार नहीं आ रहा और फिर इसका जो हमारे पास क्वांटिटी है वो 30 से कम है तो हम उस प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हमारे पास स्टार आ रहा है, स्टार का मतलब ये है कि कोई ना कोई इस पर प्रमोशन या ऑफर चल रही है, ठीक है। हमने करना ये है, हम इसका कीपा एक दफ़ा फिर देखेंगे, हम इसका कीपा चेक करने आते हैं, ठीक है। कीपा में आप देख सकते हैं 3 मंथ्स में ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया, इसका मतलब है कि इसकी जो रिलायबिलिटी है वो ये बहुत ज़्यादा, ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है तो, और इसका जो स्टॉक है वो अमेजोन अपने पास मेंटेन करता है, ठीक है। इधर से हमारे अमेजोन से सारे चेक्स लग गए, हमने सारा चेक कर लिया अमेजोन पे कि जो जो हमने चेक्स डिस्कस किए थे अपने लास्ट वीडियो में वो सारे हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम ईबे पे जाके इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। ईबे पे हम जाके सर्च कर लेते हैं 2 टायर ऑर्गेनाइजर विद डिवाइडर, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम अपना जो मेन एक हमारा कीवर्ड होगा या आप कह लें सिस्टम होगी उससे देख लेते हैं। 2 टायर ऑर्गेनाइजर विद डिवाइडर्स यही बन रहा है हमारा, इसको ले जाके हम ईबे पे सर्च करते हैं। ईबे पे सर्च करने के बाद सबसे पहले आपके पास ऊपर राइट पे अगर फ्लैग आ रहा हो तो आप उस फ्लैग को चूज करने के बाद वहां पे US सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई भी फ्लैग नहीं आ रहा, जिस तरह भी आप देख सकते हैं मेरे पास शो नहीं हो रहा फ्लैग, तो आप किसी भी लिस्टिंग में जाएंगे। लिस्टिंग में जाने के बाद आप नीचे आएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन से पहले शिपिंग एंड पेमेंट्स आ रहा होगा,
शिपिंग एंड पेमेंट्स में आके आप यूएस का कोई भी जिप कोड देके गेट रेट्स कर देंगे, इससे ये होगा आपकी लोकेशन अपडेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने अपना ये प्रोडक्ट सर्च करवाया, टू टायर ऑर्गेनाइजर विद डिवाइडर। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड से कुछ चेक्स लगाने, जिनमें फर्स्ट चेक आपके पास न्यू का आ रहा है। न्यू का चेक लगाने के बाद ये होगा कि आपको सिर्फ ईबे न्यू प्रोडक्ट दिखाएगा, कोई भी यूज प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। उसके बाद आप बाइंग फॉर्मेट में आगे बाय इट नाउ क्यों सिलेक्ट करेंगे। बाय इट नाउ में ये होगा कि आपको वो कोई भी ऑक्शन लिस्टिंग नहीं शो करवाएगा, सिर्फ वो ऑप्शन शो करवाएगा जिसमें बाय इट नाउ की प्राइस या ऑप्शन हमारे पास अप्लाई हुआ होगा। बाय इट नाउ का मतलब क्या, जिस तरह भी 13.14 हमारे पास यहाँ पे प्राइस लगी हुई है, तो कोई भी जाके 13.14 में खरीद ले, जबकि ऑक्शन में लोग आके बेट करते हैं, जो मैक्सिमम बेट करता है उसे प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट आइटम लोकेशन आपके पास आ रहा है, आइटम लोकेशन में आके आपने यूएस ओनली के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारा इधर का एक और चेक है, इस चेक के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, शो ओनली में आप सोल्ड आइटम्स आ रहे हैं हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सोल्ड आइटम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप कंप्लीटेड आइटम्स आपके पास ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, इसे आपने कर देना है अनचेक। ठीक है, हमने उसे अनचेक किया, हमारे पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट शो करवा रहे हैं। अमेजोन पे हमारे पास 22.99 में सेल हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि सितंबर 10 में इसका लास्ट पे सेल हुआ है 28.99 में। ठीक है, इसके अलावा हम इसको ओपन करते हैं और भी हम देख लेते हैं नीचे और कौन कौन से सेलर्स बेच रहे हैं। ये जुलाई 28 में सेल कर रहा है, हमने अपने क्राइटेरिया में ये कहा था कि लास्ट 30 डेज में मिनिमम 5 सेल्स हों, तो ये जुलाई 28 को इसका लास्ट पे सेल हुआ है, मीन्स के ये हमारे क्राइटेरिया पे नहीं उतरता। ये एक और पर्सन है जो सेल कर रहा है, लेकिन ये 12.99 में सेल कर रहा है, जबकि हमें 22.99 में अमेजोन से मिल रहा है। इस तरह को हम छोड़ के आगे आ जाते हैं और प्रोडक्ट्स देखते हैं हमारे से रिलेटेड और कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं जो सेम हमारे प्रोडक्ट की तरह दिखते हों। इधर आगे हम देख रहे हैं हमारे पास अभी और कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है जो एज इट इज सेम हो, हमारे पास अभी एक ही प्रोडक्ट आया है, तो हम उसी को जाके देख लेते हैं। एक दफा हम अपने सर्च टर्म के शुरू में ब्रांड नेम मेड स्मार्ट भी लिख के सर्च करवा लेते हैं। अभी आपके पास मेड स्मार्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट शो करवा रहा है, लेकिन अभी भी हमारे वाले प्रोडक्ट की सिर्फ 3 लिस्टिंग आ रही हैं। ठीक है, इसको आगे हम एनालाइज करते हैं। ये वन सोल्ड है, हमारे लिए प्रोडक्ट वर्केबल है ही नहीं, इसको छोड़ के हम और कोई प्रोडक्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम अपने पास यहाँ पे अमेजोन पे सर्च कर लेते हैं, ये इसी में से अगला प्रोडक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास ये स्टोरेज बॉक्सेस आ रहे हैं, हम स्टोरेज बॉक्सेस ओपन करके देख लेते हैं। ये बेस्ट सेलर पे अमेजोन बेसिक के स्टोरेज बॉक्सेस आ रहे हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ईबे पे ये सेल हो रहे हैं कि नहीं। इनका हम सबसे पहले अपना क्राइटेरिया देख लेते हैं, वेरिएशन टू मच नहीं है, वेरिएशन हमारे पास इसमें कम है। और राइट हैंड से आप देखें तो शिफ्ट फ्रॉम अमेजोन है, मीन्स कि प्रोडक्ट हमारा प्राइम पर है। उसके अलावा डिलीवरी टाइम अगर आप देखते हैं, डिलीवरी टाइम हमारे पास टुमारो आ रहा है, मीन्स फास्टेस्ट डिलीवरी टुमारो होगी और मैक्सिमम डिलीवरी विद इन 8 डेज, कि लेट से लेट भी ये प्रोडक्ट अक्टूबर 18 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट हमने चेक करना था कीपा ग्राफ। कीपा ग्राफ में आते हैं, मंथ में आते हैं। अब इसका अगर आप कीपा ग्राफ देखें तो 3 मंथ्स में इसका कीपा ग्राफ स्टेबल नहीं है, मैक्सिमम अपनी रेंज पे गया हुआ, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि जब से ये प्रोडक्ट आया इसकी प्राइस इससे ऊपर नहीं गई। मैक्सिमम इस प्रोडक्ट की प्राइस हमारे पास यही 20 point something तक गई है, तो अभी अपनी मैक्सिमम प्राइस पे है, इसके बाद इसकी प्राइस डिक्रीज ही होगी, जिस तरह के हमने 3 साल की इसकी हिस्ट्री निकाल के देखी है कीपा से। तो इस ये प्रोडक्ट भी हमारे लिए कंसिडरेबल है। अगर इसकी प्राइस अभी कम हुई होती और काफ़ी नीचे डिक्रीज हुई होती प्राइस और ग्राफ नीचे की तरफ आया होता तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देते, लेकिन हमने उसकी हिस्ट्री में देखा कि उसकी 3 साल की हिस्ट्री में कभी भी प्रोडक्ट इस प्राइस से ऊपर नहीं गया। अब इस प्रोडक्ट को हम अपने पास अमेजोन, इसका हम स्टॉक सबसे पहले चेक कर लेते हैं। स्टॉक हम इसका देखते हैं, ऑनलाइन सेलर एड ऑन के नाम से हमारे पास एक्सटेंशन है, इसका लिंक आपके साथ जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर हो जाएगा वीडियो की। न्यू में हमारे पास 3 शो करवा रहा है और इसके पास भी सेल लगी हुई है। हमने कहा था जिसके साथ स्टार आ रहा है उसका हम कीपा ग्राफ देखेंगे, अगर कीपा ग्राफ में
आप यहाँ देखें तो ये सिर्फ अगस्त में आउट ऑफ स्टॉक गया, ठीक है, उससे पहले ना ये 3 साल में कभी आउट ऑफ स्टॉक गया ना उसके बाद। अगस्त में भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है इस वजह से गया हो कि हमारे पास कोविड 19 के जो है वो पीक पे था और हमारे पास लॉकडाउन के इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से स्टॉक लेट हो रहा था, एक जेन्युइन रीजन थी वो और पूरी दुनिया में थी, तो इस वजह से उसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये ऑल 1079 डेज में कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया, ना ही कोविड के जब जोर टूटा है उसके बाद कभी गया। अब इस प्रोडक्ट को हम अपने पास ईबे पर सर्च कर लेते हैं, ठीक है, स्टॉक वगैरह हमने इसका चेक कर ली है, फैब्रिक स्टोरेज क्यूब्स ऑर्गेनाइजर। इसमें हम देखते हैं हमारे पास एक ये अक्टूबर 6 को सेल हुआ है, फिल्टर मेरे पास ऑलरेडी सारे लगे हुए हैं, ठीक है, अक्टूबर 6 वाले को हम इग्नोर कर देंगे। इसमें आई थिंक सो हमारे पास काफी सारी वेरिएशन होंगी, ये देखें हमने वेरिएशन वाली लिस्टिंग नहीं लेनी। हम वापस जाते हैं, वापस जाने के बाद हमारे पास 14.99 में 6 पीस आ रहा है, हमें 6 पीस 20.08 में मिल रहा है, इसे हम इग्नोर कर देते हैं। ये 30 में हमारे पास एक 6 पीस में आ रहा है और इसका जो लास्ट पीस है वो सितंबर 28 को सोल्ड हुआ है, इसको हम अपने पास ओपन करके चेक कर लेते हैं। हमने अपने पास ओपन किए, यहाँ पे 3 सोल का काउंटर आ रहा है हमारे पास, हमने कहा था कि लास्ट 30 डेज में मिनिमम उसकी 5 सेल हो, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास वर्केबल नहीं है। इसका हम और कोई सेलर देखते हैं, और कोई सेलर इससे अच्छा सेल कर रहा है, ये 20.06 में हम वैसे इसे सेल नहीं कर सकते। उसके अलावा ये सितंबर 23 में 6 पैक 21 में सेल कर रहा है, इसे भी हम कम्पीट नहीं कर सकते। हम और कोई देखते हैं कि और कोई सेलर सेल कर रहा है या नहीं। ये 6 पीस में 29 में सेल हो रहा है, लेकिन ये सितंबर 15 को लास्ट सेल हुआ, तो ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं है, उतरेगा। हम नीचे देखें कि और भी ऐसा सेलर ना हो जो हमारे नजरों से रह जाए या हमारे सामने ना आए। एंड तक हमने चेक किया जुलाई 15, ठीक है। इस प्रोडक्ट की हम थोड़ी सी अपनी सिस्टम चेंज करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास सिस्टम चेंज करके ये प्रोडक्ट आता है। हम विद हैंडल्स कर लेते हैं, साथ विद हैंडल्स लिख लेते हैं, फैब्रिक स्टोरेज क्यूब्स ऑर्गेनाइजर विद हैंडल्स। ये हमने सर्च कराया, अब हमारे पास थोड़े से सर्च रिजल्ट्स चेंज हुए हैं। इस वाली इसमें जो प्राइस वेरिएशन आ रही है तो इसके अंदर प्रोडक्ट्स की भी वेरिएशन होगी। हमने ऐसे प्रोडक्ट्स देखने हैं जिसमें हमारे पास वेरिएशन ना आ रही हो। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आके देखते हैं कोई हमारे तरह का सेलर, वही 20.06 वाला एक सेलर आ रहा है जिसको हम चेक नहीं कर सकते। 28.99 में ये सेल कर रहा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ब्राउन में अवेलेबल है वेरिएशन अगर आप देखें तो, और यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें अवेलेबल स्ट्रैप्स हो रहे हैं इसके। यहाँ पे नहीं, हम एक लास्ट टाइम इसे चेक करते हैं, 6 पीस फैब्रिक स्टोरेज क्यूब्स ऑर्गेनाइजर। इसको हम सर्च करते हैं, हमारे पास थोड़े से सर्च रिजल्ट्स चेंज हुए हैं, ठीक है। ये ब्राउन में 14.99 में सेल कर रहे हैं, हम कंपीट नहीं कर सकते। हम देख लेते हैं हमें इससे सस्ता कहीं पे मिल रहा है अमेजोन पे या नहीं। नीचे हम सजेशन में देखते हैं, हमें इससे सस्ता नहीं मिल रहा, हम इसी को कंसिडर करते हुए देखते हैं अपने पास के यहाँ पे हमें कोई मिलता है प्रोडक्ट या नहीं। इस प्रोडक्ट में आपने देखा कि हमें हमारा कंपटीटर नहीं मिल रहा, हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं और अपने सिस्टम और कोई प्रोडक्ट देखते हैं या अपने सिस्टम को थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। अभी जब बेस्ट सेलर पे हम देखते हैं, बेस्ट सेलर छोड़ के भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो 19.99 में एक ये प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास। इसके अलावा हम स्टोरेज ऑर्गेनाइजर में और कुछ देखते हैं, शू ऑर्गेनाइजर हम देख लेते हैं कि वहाँ पे जो शू ऑर्गेनाइजर है वो काफ़ी सेल होते हैं, तो हम शू ऑर्गेनाइजर्स को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। और बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने उनके माशरे के लिहाज से सोचना है और उनकी वे ऑफ थिंकिंग के लिहाज से सोचना है कि वो क्या प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के कल्चर, ईस्ट के कल्चर और वेस्ट के कल्चर में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो आपने वेस्ट के लिहाज से सोचना है कि वहाँ पर किस तरह की चीज़ें सेल होती हैं, क्या चीज़ बिकती है क्या नहीं बिकती।
ठीक है, अब इधर हम देख लेते हैं अपने पास नीचे जाके कोई भी स्पॉन्सर्ड वाले, हमने जो है उन्हें चेक नहीं करना। नीचे आते हैं, हम नीचे आके हमारे पास बेस्ट सेलर में कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। 10.99 में जोबा का 10 शेल्फ हैंगिंग शू ऑर्गेनाइजर आ रहा है। इसको हमने अपने पास ओपन किया, इसे चेक करते हैं। इसमें हमारे पास 3 वेरिएशन आ रही है, डिफरेंट कलर्स हैं। 10.99 में हमें मिल रहा है, फास्टेस्ट डिलीवरी हमारे पास टुमारो है, अराइव हमारे पास संडे अक्टूबर 18 है। अब इसमें आप देखें शिप फ्रॉम अमेजोन है, लेकिन थर्ड पार्टी सेलर है जो सेल कर रहा है। हमने शिप फ्रॉम अमेजोन चेक किया, हमें पता लग गया ये प्रोडक्ट हमारा प्राइम पे है। उसके बाद जब भी थर्ड पार्टी कोई और बंदा अमेजोन के वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट रख के सेल कर रहा होगा, तो उसमें आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ से न्यू थर्ड पार्टी FBA सेलेक्ट करवाया और उसके ये ऑरेंज रंग के ट्राइंगल्स आ रहे होंगे। जहाँ पे आपके पास ऑरेंज रंग के ट्राइंगल्स भी ना आए और नीचे लाइंस भी ना आए, तो उसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो है ना प्राइम पे नहीं है हमारा। जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, अगर इसको हम ऑल पे लेके जाएं, 3 मंथ्स पे ला के देखें, ये देखें दरमियान में जो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है उसमें कोई भी सेलर नहीं है, FBA सेलर नहीं है, कोई ड्रॉप शिपर या ऑनलाइन आर्बिट्राज करने वाला अवेलेबल हो सकता है। अब 3 मंथ पे हम देखें इसका 10.99 स्टेबल है, दरमियान में थोड़ा सा उसकी प्राइस नीचे गई थी लेकिन 10.99 स्टेबल है। ईयर में भी अगर आप जाएं तो ये इसकी देखें ज़्यादातर प्राइस 10.99 है। हमने बेसिकली 3 मंथ्स और मंथ पे चेक करनी है, 3 मंथ्स पे प्राइस स्टेबल हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम मंथ पे चेक करेंगे। मंथ में इसकी प्राइस 10.99 है, 3 मंथ्स में भी ज़्यादा ड्यूरेशन में 10.99 इसकी प्राइस रही है। उसके बाद हम इसका स्टॉक चेक कर लेते हैं। स्टॉक में आके हम यहाँ पे अपने ऑनलाइन सेलर एड ऑन के एक्सटेंशन चलाते हैं। एक्सटेंशन चलाने के बाद हमने देखा है कि अमेजोन का बाय बॉक्स YH गुड्स के पास है। आप लोग भी देख सकते हैं YH गुड्स के पास न्यू वो शो करवा रहा है। अभी सेल है तो सेल में एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने ही अपने पास स्टॉक में 999 प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा, वो दोबारा अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। और वन के साथ स्टार आ रहा है, हमने कहा था जब स्टार आए तो इसका मतलब है कोई प्रमोशन चल रही है, और हमने कीपा के ऊपर देख के फिर फैसला करना है। कीपा इसका हम देखते हैं, 3 मंथ्स में एक दफा भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया प्रोडक्ट हमारे पास, ट्रायंगल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। ईयर में भी आप चले जाएं तो ईयर में भी ये प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया। अब ये देख सकते हैं प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया, उन्होंने कोविड के दिनों में जुलाई में अगस्त में प्राइस बढ़ा दी थी, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक ये प्रोडक्ट नहीं गया। ये हमारे पास ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, कीपा हमने चेक कर लिया, आइडिया ले लिया। अब इसे आके हम अपने पास ईबे पर सर्च करते हैं। ईबे पे हम आए हैं, आके हमने सर्च किया, हमारे हमें यहाँ अमेजोन से मिल रहा है 10.99 में। हमने जो भी प्रोडक्ट देखना है इससे नीचे, इससे ज्यादा का सेल हो रहा हो ईबे पे, हमने ये चीज चेक करनी है। अब हम आए हैं, हमने देखा 14.99 में ग्रे सेल हो रहा है, कंपनी हो रहा है, लेकिन 14.99 में हमारे पास सेल हो रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं, अक्टूबर 8 में लास्ट पीस इसका सेल हुआ है। 15.49 में एक और हमारे पास है, ठीक है, और शू शेल स्पेस सेवर हमारे पास सेम प्रोडक्ट भी आ गया है 13.28 में। ये 24.99 में भी हमारे पास आ रहा है, अक्टूबर 1 को लास्ट पीस सेल हुआ है, 13.28 सितंबर 30 लास्ट पीस सेल हुआ है। उसके बाद आप आ जाते हैं तो ये 31.40 में हमारे पास आ रहा है, इसका 29 को लास्ट पीस सेल हुआ है। ये चंद सेलर्स हमने अपने पास ओपन किए हैं, इन्हें हम एनालाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे लिए प्रोडक्ट वर्केबल बनता है कि नहीं। अब इधर आप हमारे पास कलर देखें, ब्राउन में अवेलेबल है, ब्लैक ग्रे अवेलेबल है, ग्रे के बाद वाइट अवेलेबल है और ब्लैक अवेलेबल है। फर्स्ट हम चेक करते हैं आरटी जेनेसिस जो है, ये प्रोडक्ट जो है ग्रे में है, लेकिन इसके 4 सोल्ड हैं। हमारे क्राइटेरिया में ये है कि लास्ट 30 डेज में मिनिमम 5 सोल्ड हों। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट खोला है वो 1 सोल्ड है, ये भी हमारा क्राइटेरिया नहीं पूरा कर रहा। नेक्स्ट 2 सोल्ड, ये भी नहीं क्राइटेरिया पूरा कर रहा। ये एंडेड है, इसको फिर भी हम चेक करते हैं कि इसकी सेल्स क्या थी। 3 सोल्ड, नो, हमारा क्राइटेरिया नहीं पूरा हुआ, इसको आप इग्नोर कर दें। इधर 12 सोल्ड है, इधर हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा। अब हम इसको क्लिक करके ओपन करके देखेंगे कि इसने लास्ट 30 डेज में कितनी सेल्स की है। आज हमारे पास 9 अक्टूबर है, तो लास्ट 30 डेज मीन्स के हम 9 सितंबर तक के सेल्स को कंसिडर करेंगे।
9 सितंबर तक अगर आप देखते हैं तो इस बंदे ने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेल्स की हैं, ठीक है, लास्ट 30 डेज में। तो ये हमारे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट फुलफिल कर रहे हैं हमारे क्राइटेरिया को हर लिहाज से। इधर जो 24.99 में सेल कर रहा है इसे भी हम देख लेते हैं। ये 24.99 में नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर है, ये ऑथेंटिक नहीं होते, इन्हें आप इग्नोर कर देंगे। और इसकी लास्ट 30 डेज में भी जो सेल्स हैं वो 5 इसने खुद करवाई हुई हैं, क्योंकि कभी भी ईबे पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी और इतने महंगे कोई भी इकट्ठे नहीं परचेज करता। ये सेलर हमारे पास वर्क के बाद आ गया है, ठीक है। ये अब इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारी मिनिमम लिस्टिंग प्राइस 25% ऐड करने से बनेगी। 25% कौन सा, जिसमें 10% हमें अमेजोन से बाइंग टैक्स पड़ना है, 10% हमें ईबे का कमीशन पड़ना है और बाकी पेपाल और मिसलिनियस चार्जेस डाल के बाइंग प्राइस का अराउंड अबाउट 25% बनेगा मिनिमम लिस्टिंग प्राइस। उससे ऊपर आप जो भी प्राइस रखेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा। हमारे पास एक शीट बनी हुई है, हम इस शीट को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके हम देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च की शीट ओपन कर लेते हैं हम अपने पास। ये हमारी एक शीट बनी हुई है प्रोडक्ट रिसर्च की, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें हमारे पास ये सोर्स लिंक आ रहा है, ठीक है। सोर्स लिंक और सोर्स प्राइस में आके हम अमेज़न का लिंक और अमेज़न की प्राइस दे देंगे। इधर आके हमने अमेज़न का लिंक दिए, अमेज़न से हमें मिल रहा है 10.99 का, 10.99 हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं एमएलपी के नाम से, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस 13.7 आ रही है। मींस कि हम 13.7 से ऊपर जितने का सेल करेंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा। 13.7 तक हम सिर्फ अपने जो बेसिक खर्चे हैं वो पूरे करेंगे, जिनमें कमीशन हैं पेपाल का, ईबे का और अमेजोन का, बाइंग पे जो 10% टैक्स लगता है सेल्स टैक्स वो है, ठीक है। मिनिमम लिस्टिंग प्राइस में आप देख सकते हैं हमारे पास फार्मूला लगा हुआ है, हम 25% का हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हम आएंगे ईबे के सेलर लिंक पे, ईबे का जो हमने सेलर निकाला है, ठीक है। हमारे पास ये 10 शेल्फ का सेलर है, 16.48 में सेल कर रहा है और इसकी लास्ट 30 डेज में हमारे पास 5 से ज़्यादा सेल्स भी थी। इसकी प्राइस और इसका लिंक देंगे, इसकी प्राइस हमारे पास 16.48 है। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास $2.74 का प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस मार्जिन जिसे हम बोलते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्राइटेरिया डिस्कस करते हुए ये देखा था कि, या अगर हमने उसमें डिस्कस नहीं भी किया तो भी मैं आपको इधर कंफर्म कर देता हूँ कि जो हमारे पास मिनिमम जो प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज या ग्रॉस मार्जिन होगा वो, अगर तो हमारी बाइंग प्राइस $15 से नीचे है, जैसे हमारी बाइंग प्राइस अभी 10.99 है, तो मिनिमम हम $1 का प्रॉफिट देखेंगे। $1 से नीचे का जो प्रॉफिट होगा उस प्रोडक्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। बाइंग प्राइस अगर हमारी $15 से नीचे है तो आपने मिनिमम $1 का ग्रॉस मार्जिन देखना है, ठीक है। और अगर आपकी बाइंग प्राइस $15 से अबव है या $15 क्रॉस कर रही है तो आप ग्रॉस मार्जिन को छोड़ के आपके पास जो मार्जिन परसेंटेज जा रही होगी वो आपने मिनिमम 10% देखनी है, ठीक है। $15 से नीचे के आइटम का आपके पास $1 का मिनिमम प्रॉफिट और $15 से ऊपर का जो आइटम हो उसमें मार्जिन परसेंटेज आपकी मिनिमम 10% हो, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास निकल आया, हमें पता लग गया कि जी ये प्रोडक्ट हमारे लिए वर्केबल है, इसे हम ईबे पे लिस्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी ईबे पे इसकी सेल हो रही हैं। तो हमारा ये था फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट रिसर्च का, अमेज़न टू ईबे ऑनलाइन आर्बिट्राज के हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, इसको हम बोलते हैं रैंडम सर्च मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना जो डिस्कस करेंगे वो मेथड होगा सेकंड मेथड, जिसे हम बोलते हैं बेस्ट सेलर टैब, ठीक है। बेस्ट सेलर मेथड हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।